गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो हम मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है थैलेप्सी वर्सा पैक्टोरिस। इसके जो कॉमन नेम है वो आप नोटबुक और पेन से साथ ही साथ लिखते रहिए। इसके जो कॉमन नेम है, फर्स्ट जो इसका कॉमन नेम है उसका नाम है लेडीज पर्स। सेकंड जो इसका कॉमन नेम है वो है बैड मैन्स ओटमील। थर्ड जो इसका कॉमन नेम है वो है सेंट जेम्स वॉर्ट। फोर्थ जो इसका कॉमन नेम है वो है सेफर्ड पर्स। और जो फिफ्थ जो इसका कॉमन नेम है उसका नाम है क्लैपर्स पाउच। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। लेडीज पर्स, सेकंड बैडमैन्स ओटमील, थर्ड है सेंट जेम्स वॉर्ट, फोर्थ है सेफर्ड पर्स और फिफ्थ है क्लैपर्स पाउच। प्रूवर की अगर बात करें तो फर्स्ट जो प्रूवर है वो है मैकफेरियन, सेकंड है मैक जॉर्ज। सोर्स की अगर बात करें तो वेजिटेबल किंगडम से ये बिलोंग करता है। फैमिली जिससे ये बिलोंग करते हैं वो है क्रूसीफेरी। और पार्ट जो यूज होता है वो होल प्लांट। ठीक है, इसके बाद में अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो जेनरिक नेम डेराइव्ड फ्रॉम कैप्सेला विच मीन्स ए पॉकेट और ए पर्स। ठीक है, जो इसका जेनरिक नेम है कैप्सेला वो कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, वो एक कैप्सेला वर्ड है, वो डेराइव्ड हुआ है ए पॉकेट और ए पर्स, उससे ये डिराइव हो गया। सेफर्ड पर्स सो कॉल्ड फ्रॉम द रिजेंबलेंस ऑफ द फ्लैट सीड प्रोड्यूस ऑफ द प्लांट टू एन ओल्ड फैशन्ड कॉमन लेदर पर्स। अब इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में जो इसका जो जेनरिक नेम है थैलेप्सी वर्सा पैक्टोरिस का, उसका जेनरिक नेम डेराइव्ड हुआ है वर्ड कैप्सेला से। और जो ये कैप्सेला है इसकी मीनिंग होती है ए पॉकेट और ए पर्स। ठीक है, इसी तरीके से सेफर्ड पर्स जो नाम इसका है, सेफर्ड पर्स नाम इसके जो प्लांट होता है उसमें सीड पाउचेस होते हैं। ठीक है, जो कि कैसे दिखते हैं, जो कि लेदर और पर्स की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको सेफर्ड पर्स भी बोलते हैं। थर्ड जो इसका नाम है क्लैपर्स पाउच। क्लैपर्स पाउच के पीछे कहानी ये है कि पहले नेग्लेक्टेड जो पर्सन थे, जो सोसाइटी में नेग्लेक्टेड पर्सन थे, उनके पास में एक स्टिक होती थी, लंबी स्टिक। उस स्टिक के एकदम आगे के जो छोर पे एक प्याली नुमा एक पाउच होता था जिसमें कि लोग उनको पैसे और उसके अलावा खाने का सामान उसमें डालते थे। तो इसी से जो इसका नाम है उसका नाम क्लैपर्स पाउच पड़ा। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लांट है वो एनुअल प्लांट है या फिर बाई एनुअल हर्ब है। ये एक एनुअल और बाई एनुअल हर्ब है। बाई एनुअल हर्ब की मीनिंग है कि इसकी जो ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो 2 साल में कंप्लीट होती है, जैसे कि स्टेम का बनना, फ्लावर का बनना, रूट का बनना, इसलिए इसको बाई एनुअल हर्ब भी इसको अपन इसको इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा चाइनीज मेडिसिन में ये जो हाइपरटेंशन को जो पेशेंट होते थे उनमें ब्लड को कूल करने के लिए इसका काम होता था, जो खून था उसको ठंडा करने में इसका यूज होता था। उसके अलावा ये पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग होती थी उसको रोकने के लिए, या फिर जो इरेगुलर जो मेंसेस होते थे उसको रेगुलर फॉर्म में इसको कंटिन्यू करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ होता था। अगर इसकी बात करें कि ये अपन को कहाँ पर मिलता है ये प्लांट, तो ये नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में बहुतायत से मिलता है। उसके अलावा ये थोड़ी थोड़ी हर जगह में, इंडिया में हर जगह में ये मिलता है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स थ्रू द सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, स्पेशली अपॉन द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द जनरेटिव ऑर्गन्स ऑफ वुमेन, कॉजिंग कंजेशन एंड हेमरेज। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो बेस्ट सूटेड जो है वो मेल्स की तुलना में फीमेल्स में ये बेस्ट सूटेड मेडिसिन है। थर्मल रिलेशनशिप की बात करें तो इट इज़ नाइदर चिल्ली नॉर हॉट। एलिमेंट फ्रॉम की बात करें, जिससे कि इसको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है उसकी अगर बात करें
तो फर्स्टली इज सप्रेस्ड हेमरेजेस, सेकेंडली वेजिनल डिस्चार्जेस, इसके कारण इसको एलिमेंट्स होते हैं। मियाज्मा की बात करें तो सोरा इन द बैकग्राउंड, डाइथिसिस की बात करें तो हेमरेजिक एंड यूरिक एसिड डाइथिसिस रहेगी इसमें। गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो इसमें प्रोफ्यूज पैसिव हेमरेज रहेगा फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसमें जो कैरेक्टर ऑफ द ब्लड रहेगा वो डार्क एंड क्लॉटेड ब्लड रहेगा इसमें। मेंसेस के टाइम में जो इसका फ्लो रहेगा वो हर 5, 10, 15, 20 डेज में रिपीटेशन होगा, और साथ में उसके वॉयलेंट क्रैम्प्स रहेंगे और यूट्राइन कॉलिक रहेगा। यूट्राइन कॉलिक जो रहेगा वो और कौन कौन सी कंडीशन में रह सकता है, आफ्टर एबॉर्शन, मिसकैरेज, लेबर, और साथ में अगर यूट्राइन नेक में अगर कैंसर हो उस कंडीशन में भी उसमें यूट्राइन कॉलिक मिलेगा। और ये जो सारी कंडीशन हमने अभी बताई इसका मतलब यही है कि ये मेट्रोरेजिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मेट्रोरेजिया के साथ में अगर यूट्राइन कॉलिक हो और साथ में जो यूट्रस की जो नेक होती है वहाँ का कैंसर हो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। मेंसेस की बात करें तो मेंसेस टू अर्ली एंड प्रोफ्यूज रहेंगे। फर्स्ट डे जो फ्लो होगा वो ना के बराबर होगा, सेकेंड डे जो फ्लो होगा वो क्लॉट्स के थ्रू आएगा, उसके साथ में उसमें नोजिया वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, और आगे के जो दिन होंगे उसमें हेमरेज की जो क्वांटिटी होगी, कॉलिक होगा, वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा। इसमें जो हेमरेज रहेगा वो यूट्राइन इनर्सिया के कारण रहेगा। यूट्राइन इनर्सिया का जो मीनिंग है वो है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और इसमें जो पेशेंट एक अपने मेंसेस पीरियड से रिकवर नहीं होगा उससे पहले ही उसके नेक्स्ट मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस मेंसेस के कारण जो रिपीटेटेड जो मेंसेस है उसके कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, और ऐसी जो कंडीशन होती है उसको मेडिकल टर्म हम बोलते हैं मेट्रोरेजिया। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि मेट्रोरेजिया की अगर पेटेंट मेडिसिन की अगर बात करें तो थैलेप्सी सबसे पहले नंबर पे हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो इसमें यूट्राइन हेमरेज रहेगा, उसके अलावा जो ल्यूकोरिया रहेगा वो बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस होगा जो कि ग्रेफाइटिस में भी होता है, और जो ल्यूकोरिया होगा वो ब्लडी होगा, डार्क एंड ऑफेंसिव होगा। उसके अलावा जो इसके स्टेन होंगे वो बहुत मुश्किल से वॉश ऑफ होते हैं, मतलब उसको बहुत मुश्किल से उसको हटाया जाता है या हटा सकते हैं उसको। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो ये मेडिसिन एंटी यूरिक एसिड रेमेडी भी है, जैसे कि हम रूटीन में जो एंटी यूरिक एसिड रेमेडीज जो हम यूज़ करते हैं जैसे बर्बरीस, अर्टिका, यूरेंस, उसके अलावा कॉल्चिकम, तो इन रूटीन मेडिसिन के अलावा अगर अपन थैलेप्सी मेडिसिन यूज़ करें तो वो भी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत अच्छा इसका योगदान है। अगर यूरिनरी सिम्टम्स में अगर अपन बात करें तो ये क्रॉनिक सिस्टाइटिस, और इसके अलावा हीमेच्यूरिया, डिसयूरिया, और जो प्रेगनेंसी के टाइम में एल्बुमिनेरिया होती है उसको ये क्योर करती है। इसके अलावा अगर ऐसे पेशेंट जिसमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की डिज़ायर रहती है पर जब भी वो यूरिन करने जाते हैं तो यूरिक एसिड के सेडिमेंट्स उसमें आते हो, और जो ब्रिक डस्ट अगर सेडिमेंट्स आ रहे हो जैसे कि लाइकोपोडियम में हम देखने को मिलते हैं, तो ये मेडिसिन ऐसे जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड के कारण जो अपने रीनल स्टोन बनता है उसमें जो अपन रूटीन में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं जैसे बर्बरीस, ऑक्सीमम कैन, तो इसमें अगर हम थैलेप्सी भी अगर यूज़ करें तो हमें इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जो मेडिसिन है इसका यूरिनरी सिस्टम में इतना अच्छा इफेक्ट रहता है, जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है यूरिनरी सिस्टम को वो इतने अच्छे से ये रेगुलेट करती है मेडिसिन कि इसके बारे में कहा जाता है कि
ये यूज़ करने के बाद में किसी पर्सन को कैथेटर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर इस मेडिसिन को बाकी मेडिसिन से कंपेयर करें तो इससे जो मिलती जुलती जो रेमेडीज़ है, जो कि यूट्राइन हेमरेज प्लस यूरिक एसिड डायथिसिस और उसके अलावा जो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं उसमें काम आती है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं मेडिसिन के नाम बताता हूँ जो थैलेपसी से मिलती जुलती मेडिसिन है या उसका इफ़ेक्ट इससे मिलता जुलता है। जो फर्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम आप लिख लीजिए, ऑरम म्यूर नेट। सेकेंड मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। थर्ड मेडिसिन है क्रोकस सटाइवा। फोर्थ मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। फिफ्थ मेडिसिन है मिलीफोलियम। सिक्स्थ मेडिसिन है मैनिस पर्नम। सेवन्थ मेडिसिन है मैग फॉस। और एट्थ मेडिसिन है जो कि एक नोसोड से बनती है, और वो जो नोसोड जो पार्ट यूज़ लेते हैं वो डिजीज यूट्राइन फाइब्रॉइड का पार्ट यूज़ लेते हैं, उससे एक मेडिसिन बनती है एपीहिस्टेरिनम। ठीक है, तो मैं मेडिसिन वापस एक बार रिपीट करता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन है जो इससे मिलती जुलती मेडिसिन है। मिलीफोलियम, अर्टिका यूरेंस, ऑरम म्यूर नेट, क्रोकस सटाइवा, मैनिस पर्नम, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, मैग फॉस, एपीहिस्टेरिनम। इसके अलावा जैसे दुबे में तीन मेडिसिन और दे रखी है, चार मेडिसिन, सिनेप्सिस, ट्रिलियम पेंडुलम, विबर्नम एंड यूस्टिलेगो। ठीक है, तो मेनली जो हमने इस मेडिसिन में जो हमने देखा कि ये यूट्राइन हेमरेज में बहुत अच्छा काम करती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड में बहुत अच्छा काम करती है, और कैंसर जैसे कि नेक ऑफ द यूट्रस में अगर कैंसर हो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा जैसे हमने बात की, जैसे इसमें मेटोरेजिया में इसका बहुत अच्छा रोल है ना, और एंटी यूरिक एसिड रेमेडी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप घर में स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। अगले वीडियो के लिए आपको जल्दी मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।